हेलो गाइस तो क्या हाल है आप लोगों का तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक ही बहुत ही बेहतरीन वीडियो जिसमें आप लोग अपने जॉयस्टिक को कंट्रोल करना सीखेंगे और उसका इशू फिक्स करना सीखेंगे किस तरह हम उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं जॉयस्टिक कुछ लोगों का अटक जाता है या जॉयस्टिक का साइज़ क्या होना चाहिए बेस्ट साइज़ क्या होना चाहिए और जॉयस्टिक किस तरह साइज़ कौन सा अच्छा होगा जिसकी वजह से आप लोग जिगल अच्छा दे सकेंगे कि के मिड रेंज में कैसे जिगल देना है क्लोज रेंज में कैसे जिगल देना है और लॉन्ग रेंज में जिगल कैसे देना है और मैं इसके आपको बताऊंगा फ़ोर से फ़ाइव स्टेप और जिस जो बंदा इन फोर से फ़ाइव स्टेप को फॉलो कर लेगा और जिसने एक भी स्टेप मिस कर दिया तो वो एक बहुत ही काफ़ी टेक्निक को मिस कर देगा जो कि उसके पास अभी तक इस किस्म की टेक्निक नहीं आई होगी तो चलिए चलते हैं हम अपनी टेक्निक की तरफ हाँ तो सबसे पहले है ये टेक्निक कि ये देखें ये आप लोगों के पास ये सामने एक हर्डल सी नजर आ रही है तो आप लोग देख रहे होंगे मैं एक मिनट आपको यहाँ से कंट्रोल में लेके जाके कस्टमाइज में जाके ये जो जॉयस्टिक है इसका मैं साइज थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी इसकी फुल करके दिखा देता हूँ आपको ये देखें ट्रांसपेरेंसी फुल हो गई है इसका साइज मैं अभी इतना रख देता हूँ यहाँ पर आने के बाद इसको सेव करेंगे एक्जिट पे आ जाएंगे यहाँ पर आने के बाद ये देखें ये ऐसे मैं करता हूँ जब आप एनिमी से फाइट ले रहे होते हैं ऐसे खड़े होते हैं ऐसे करते हैं तो ये आपका ऐसे स्प्रिंट पर लग जाता है और आपका बंदा आगे की तरफ चला जाता है तो इस इशू को फिक्स करने के लिए आप क्या करेंगे सेटिंग में जाएंगे कंट्रोल में जाएंगे कस्टमाइज में जाएंगे तो यहाँ पर आपने क्या करना है इसको ऐसे क्लोज करना है जॉयस्टिक को ऊपर ऐसे करना है इसके बटन के साइज़ को कम ज़्यादा करते हुए ऐसे ये देखिए ये हो रहा है ना कम ज़्यादा इसको बार बार कम ज़्यादा करते हुए आपने इसके स्प्रिंट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना आप देखें स्प्रिंट कम ज़्यादा हो रहा है इसको आपने ऐसे पकड़ के ऐसे फुल ऊपर ले जाना है और इसका साइज को ऐसे छोटा कर देना है इसको फुल ऐसे कोने में ले कर चले जाना है ठीक है अब ये देखें ये और ऊपर जा रहा है अभी आपने इसको करना है और इसके साइज़ को ऐसे फिक्स कर देना है अब देखें यहाँ पर फिर हम जाते हैं यहाँ पर अपनी गेम में अब देखें अब अब हो रहा है देखें स्प्रिंट का बटन आगे जा रहा है ये देखें अब आप इजीली ऐसे ऐसे कर सकते हैं तो स्टेप नंबर टू स्टेप नंबर टू में मैं आपको बताऊंगा कि हमने जिगल कैसे देना है और आपका जिगल स्मूथ कैसा होना चाहिए तो आपने यहाँ पर आना है यहाँ पर कंट्रोल में आ जाना है कंट्रोल में आने के बाद यहाँ पर जॉयस्टिक का साइज आपने रखना है बेस्ट साइज रखना है 70 से लेकर 90 के दरमियान आप कोई भी साइज रख सकते हैं जो आपको सूटेबल लगे ठीक है जैसे मैं यहां पर रख देता हूँ 90 90 मैंने रख दिया सेव उसके बाद बाद एग्जिट और यहाँ पर आने के अब आपने जिकल कैसे देना है जैसे यहाँ पर आपको ये स्क्रीन में नज़र आ रहा है ना जस्टिक ऊपर तो यहां पर आने के बाद ये हो गया क्लोज रेंज यहां पर आपने रखने के बाद आपने जिकल ऐसे देना है मतलब आपने इतनी क्लोज रेंज में फास्ट फास्ट ऐसे ऐसे फास फास्ट फास्ट जिकल देना है राइट लेफ्ट फास्ट फास्ट करना है और अगर हम यहाँ पर आ जाते हैं मिड रेंज में मिड रेंज में आपने कितना इतना देना है ठीक है मिड रेंज में आपने स्लो देना है थोड़ा सा स्लो मतलब नॉर्मल अगर हम आ जाते हैं यहाँ पर लॉन्ग रेंज में तो लॉन्ग रेंज में आप और ही ज्यादा स्लो देना है ठीक हो गया ऐसे, शॉर्ट रेंज में फास्ट जिगल मिड रेंज में मिड जिगल और लॉन्ग में बिल्कुल स्लो स्लो जिगल देना है इससे एनिमी को आप मारने में आपको ज़्यादा आसानी होगी अब आ जाते हैं स्टेप नंबर थ्री की तरफ स्टेप नंबर थ्री में जैसे ये देखें ये जॉयस्टिक है जॉयस्टिक के नीचे आपको जगह खाली नजर आ रही है तो कुछ लोग होते हैं जो नीचे से हाथ चलाते हैं तो उससे उनका जॉयस्टिक नहीं यूज़ होता तो ऊपर की तरफ वो यहाँ इस जगह पे हाथ रखने के मतलब जो ये मेरे पीक नजर आ रहे हैं ना आपको इससे भी ऊपर हाथ रखने के आ देते हैं इसके ऊपर हाथ चला रहा हूँ लेकिन वो सही तरीके से ना मूवमेंट नहीं कर रहा तो इसको आप मूवमेंट कैसे देंगे सेटिंग में जाएंगे कंट्रोल में जाने के बाद यहाँ पर ये ज्वाइस्टिक जो आपकी नजर आ रही है इसका साइज को कम ज्यादा करते 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 आपने स्प्रिंट के ऊपर ऐसे कर देना है स्प्रिंट को आपने ऐसे क्या कर देना है जितना कम हो जाएगा आपने इसको उठा के फिर ऊपर कर देना है फिर आपने इस जॉयस्टिक को फिर पकड़ना है इसका साइज़ कम ज़्यादा करते करते आपने इसको नीचे ले आना है देखिए ये फुल नीचे आ गया फिर आपने इस इसको सेलेक्ट करने के बाद इसको कम ज़्यादा करते करते ऐसे कम ज़्यादा करते करते फिर स्प्रिंट के बटन को क्लिक कर देना है ये फुल कम हो जाएगा फिर आपने इस ये तो ये छोटा हो गया फिर आपने जॉयस्टिक को करना है कम ज़्यादा कम ज़्यादा करते करते स्प्रिंट को कर देना है स्प्रिंट कम होने के बाद आपने इसको फिर ऐसे फिर ऊपर ले जाना है फुल फिर आपने जॉयस्टिक को ऐसे कम करके ऐसे फिर और नीचे ले आना है फिर जॉयस्टिक को कम ज्यादा करते 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 आपने प्रिंट को ऐसे करना है फिर इसको कम करने के बाद फिर इसको आपने फुल ऊपर ले जाना है ठीक है फिर आप जॉयस्टिक को कम करेंगे फिर ये नीचे आ जाएगा अब ये देखें ये फुल आपकी आधी से ज्यादा स्क्रीन के नीचे चला गया तो इससे क्या होगा जब आप ऐसे सेव करेंगे एक्टिव करने के बाद जब गेम में जाएंगे तो देखें आपका कुछ लोग होते हैं यहां पर ऐसे ऐसे करने के आदि अब देखें अब यहाँ पर ऐसे सही सही मूवमेंट हो रही है ऐसे करने से आपकी मूवमेंट और ज़्यादा फास्ट हो जाएगी ठीक है ऐसे ऐसे लेकिन कुछ लोगों को आदत होती है ऊपर रखने की कुछ लोगों को बिल्कुल नीचे रखने की और कुछ लोगों को बिल्कुल सेंटर में रखने की लेकिन अगर आप नीचे रखेंगे तो आप ये सेंटर में भी ऐसे ऐसे कर लेंगे और ऊपर भी हाथ रख करके चलाएंगे तो आपकी मूवमेंट सही होगी तो ये जॉयस्टिक की मेन इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो कि जो भी जिन्होंने भी खेलना स्टार्ट किया है जो खेलना चाहते हैं अच्छा तो वह इसको सेटिंग अपनी मर्ज़ी से रख के ईज़िली रख सकते हैं और लास्ट टिप कि इसका जो बेस्ट बेस्ट साइज़ है वो है सेवेंटी से लेकर नाइन्टी तक और मैं आप और अगर, अगर आपको ये वीडियो में थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो का वेट करते रहिएगा आगे भी नेक्स्ट इससे अच्छी अच्छी वीडियोज़ में लेकर आता रहूँगा तो दो में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़